नमस्कार। कांग्रेस पार्टी में अभी लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जिस राज्य में भी वो यात्रा पहुंची है वहां पार्टी एकजुट हुई है और पार्टी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया लोगों का बना है। राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के भी लोगों के मन में जो एक धारणा थी वो बदल रही थी। तो कांग्रेस भले इस समय गुजरात में बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है या उसको लेकर के कोई बहुत वहां से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा से और कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष बनाने से एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। कांग्रेस में कुछ सकारात्मकता आई है, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। और एन उसी वक्त अजय माकन को लेकर के खबर आई कि महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। अजय माकन परिवार के बहुत करीबी बताए जाते हैं और अजय माकन को जितनी तरजीह मिलनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में उतनी हमेशा मिली, बल्कि उससे ज्यादा मिली। उनको अपने बैकग्राउंड की वजह से भी, एक उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसकी वजह से भी उनको लगातार तरजीह मिलती रही। लेकिन अब इन ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस में चीजें ठीक होती हुई दिख रही थी, राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली थी और राजस्थान में एक सीट पर अभी उपचुनाव होने वाला है 4 दिसंबर को, और राजस्थान से सटे गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान के ही लोग गुजरात का चुनाव संभाल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, वो वहां के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं और वहां के जो प्रभारी हैं रघु शर्मा, वो पहले यहां राजस्थान सरकार के मंत्री थे। तो ये राजस्थान के लोग ही वहां चुनाव लड़वा रहे हैं गुजरात में। ऐसे समय में अजय माकन ने इस्तीफा दिया है या उनके इस्तीफा देने की खबर आई है। अब इस्तीफा देना या इस्तीफा देने की खबर, इनका कोई मतलब नहीं है इस समय। यह एक शुद्ध रूप से एक ड्रामा है, एक नाटक है, जिसका कहीं ना कहीं यह मकसद है कि राजस्थान में जो अभी सरकार है और अभी पार्टी की जो पोजीशन है उसको कमजोर किया जाए। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि नेताओं का एक समूह है जो पता नहीं किस भावना से या किस वजह से राजस्थान को पंजाब बना देने में लगा हुआ है। अब सोचें इस वक्त इस्तीफे की या इस्तीफा देने की खबर का क्या मतलब है। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने चिट्ठी के बारे में खुद भी बताया कि क्या क्या लिखा है चिट्ठी में, क्या क्या चीजें लिखी गई है। सो उन्होंने अपनी सारी शिकायतें उसमें लिखी है। लेकिन अब यह चिट्ठी लिख करके इस्तीफा देने का कोई लॉजिक या तर्क इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि पार्टी के सारे पदाधिकारी पहले ही 26 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुके हैं। जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के रूप में उनको शपथ दिलाई गई, उसी दिन सभी पदाधिकारियों ने उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो जब वो महासचिव है ही नहीं तो उन्होंने किस पद से इस्तीफा दिया है? जब सारे महासचिवों ने इस्तीफा दे दिया और तमाम CWC के सदस्यों का भी इस्तीफा अध्यक्ष के पास पहुंच गया, तो उसके बाद अध्यक्ष ने एक लंबी चौड़ी स्टीयरिंग कमेटी बना दी और वो स्टीयरिंग कमेटी अभी पूरे देश में कांग्रेस का संगठन देख रही है। तो क्या अजय माकन ने उस स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दिया है? ऐसी कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि उन्होंने महासचिव पद से और प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां जिस पद से पहले ही सारे लोग इस्तीफा दे चुके हैं 26 अक्टूबर को। तो जाहिर है इस बात को अभी उछाला गया है। इसकी टाइमिंग को देखिए कि क्या टाइमिंग है इसकी, किस समय इस चीज को उछाला जा रहा है। जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने वाली है, जब उपचुनाव होने वाला है, जब गुजरात में चुनाव होने वाला है, और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, सितंबर के अंत में जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान गए थे और विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी जिसमें एक विधायकों के एक बड़े समूह ने जिस बैठक का बहिष्कार किया था उसको अनुशासनहीनता मानते हुए एक अजय माकन ने रिपोर्ट भी दी थी। अब वो कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जिन लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस बात के लिए 25 सितंबर से लेकर के और 16 नवंबर तक इंतजार करने का क्या मतलब था? ये इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जिससे सर्वाधिक डैमेज हो, जिससे कांग्रेस की पोजीशन को, कांग्रेस के लीडरशिप को सबसे ज्यादा झटका लगे, सबसे ज्यादा नुकसान हो। अब बताइए इस तरह की राजनीति का क्या मतलब है? और यह पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनेक ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाने में, अनजाने में या अपनी नासमझी में या किसी की सलाह पर, जिन्होंने ऐसे ही मौके पर कांग्रेस को धोखा दिया या ऐसे मौके पर कुछ काम किया जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो। सोनिया गांधी जब अध्यक्ष बनी थी तो उन्होंने भी अपनी टीम बनाई थी, उन्होंने भी कई लोगों को आगे बढ़ाया था,
लेकिन अपवाद के लिए भी उसमें से शायद ही कोई होगा जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उसने धोखा दिया, बेईमानी की और ऐसे समय पर कांग्रेस से इस्तीफा दिया जब कांग्रेस को सर्वाधिक नुकसान हो। उनके बाद भी कांग्रेस, उनके समय के काफी लोग कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं थे जिनको सोनिया गांधी ने विशेष तवज्जो दी थी, विशेष तरजीह दी थी या उनका एक कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ था। उनके सोनिया गांधी के समय से नेतागिरी कर रहे गुलाम नबी आजाद चले गए या हिमंता बिस्वा सरमा चले गए और कई लोग गए, उनके अध्यक्ष बनने के समय शरद पवार या ममता बनर्जी चले गए। ये ऐसे लोग नहीं थे जिनको सोनिया गांधी ने बहुत तरजीह देकर के और प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कितने लोगों को प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाया और वो किस तरह से भस्मासुर साबित हुए पार्टी के लिए या किस तरह से आत्मघाती दस्ता बन गया कांग्रेस पार्टी के लिए। जो काम नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में किया या नवजोत सिंह सिद्धू के जरिए जो काम पंजाब में हुआ या कराया गया, वही घटनाक्रम राजस्थान में दोहराया जाता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदला, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले तमाम लोगों के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहे जिसे कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बैठ गया पूरी तरह से पंजाब में, उस तरह का घटनाक्रम है ये। जो पूरा अभी घटनाक्रम चल रहा है वो राजस्थान में, वो एक तरह से पंजाब बनाने का घटनाक्रम है। तो जो काम सिद्धू ने किया वो काम यहां, वो काम हो सकता है कि अजय माकन कर रहे हो या कोई और नेता कर रहा हो, लेकिन घटनाक्रम पूरा वैसा ही है। अब ये एक और मामला देखें इसमें, अभी हाल का घटनाक्रम है कि कांग्रेस ने अपने वॉर रूम में रखा हुआ है प्रवीण चक्रवर्ती को और डेटा साइंस का डेटा का काम संभालते हैं वो कांग्रेस के लिए, और उन्होंने विधिवत इस बात का विरोध किया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना कितना खराब है और किस तरह से वो इकोनॉमी पर भारी पड़ेगा। अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा हुआ है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बातें कही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा है, कांग्रेस गुजरात में चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनको पूरा प्रश्रय पार्टी के आलाकमान का मिला हुआ है, वो पब्लिक के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि ये बहुत खराब इकोनॉमिक्स है, इससे राज्यों की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, वो भी है। एक और मामला है जो एक और भस्मासुर कांग्रेस पार्टी में, जो भी उनको भी अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आगे बढ़ाया है और उनको प्रश्रय मिली है, वो है के सुधाकरन। उनको केरल का अध्यक्ष बनाया गया है, मुलापली रामचंद्रन जो परिवार और पार्टी के लिए बहुत भरोसेमंद और पुराने नेता थे, उनकी जगह के सुधाकरन को बनाया गया है। उन्होंने दो ऐसी बातें कही है जिनकी सफाई देते देते कांग्रेस पार्टी परेशान है। पहले उन्होंने कहा कि बहुत पहले वो जब आरएसएस के लोगों को शाखा लगाने नहीं दिया जाता था और उनकी शाखाओं पर हमले करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तब उन्होंने अपने लोगों को भेज करके शाखाओं की रक्षा की है। और अभी वो विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने कह दिया कि नेहरू बड़े भारी लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और उन्होंने फांसीवाद से भी समझौता करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया था। अब इसका जो विरोध, इस पर जो सवाल उठ रहे हैं केरल में, उनका जवाब देना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। अपोजिशन पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की जो सहयोगी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी इस बात का विरोध कर रही है। राहुल गांधी के समय और प्रियंका गांधी के वाड्रा की सक्रियता से जिन युवाओं को कांग्रेस में खास तरजीह मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट मिली जिन युवाओं को, अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने पिता की वजह से, अपने परिवार की वजह से, जरा उन सब का भी रिकॉर्ड आप देखें, वो इतिहास देखें, तो पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस कैसे इन दोनों नौजवान नेताओं ने, जो राहुल और प्रियंका जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य है, उन्होंने कैसे नहीं पहचाना ऐसे लोगों को। और एक आदमी के मामले में गलती हुई, फिर दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, कैसे इतनी गलतियां होती चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को विशेष तवज्जो मिली थी, तरजीह मिली थी, और उन्होंने 15 साल बाद बनी मध्य प्रदेश की सरकार गिरवा दी। पता नहीं उनको राज्यसभा की सीट मिलती या नहीं मिलती, उस समय क्या विवाद चल रहा था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वो सरकार गिराई जो 15 साल विपक्ष में रहने के बाद बनी थी, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की सरकार बनी थी, और वो सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दी, वो बीजेपी में चले गए। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरपीएन सिंह को, जितिन प्रसाद को, सचिन पायलट को, इन सबको मंत्री बनवाया था। इन सबको विशेष तरजीह दी गई थी कि राजनीति में राहुल गांधी की टीम बन रही थी कि ये राहुल गांधी के साथ चलेंगे लंबे समय तक। हालांकि वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबने देखा हुआ था कि जिनको टीम राजीव गांधी ने बनाई थी और लंबे समय तक जिनको साथ चलना था, उनमें कोई लंबे समय तक नहीं चला, चाहे वो अरुण सिंह रहे हो या अरुण नेहरू रहे हो। लेकिन फिर वही बात दोहराई गई कि राहुल गांधी की एक नई टीम बनाई जा रही है जो इनके साथ लंबे समय तक चलेगी। उस टीम में से जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह दोनों बीजेपी में चले गए।
सचिन पायलट भी चले ही जाते और वो अपने कुछ विधायकों को लेकर के आ भी गए थे हरियाणा में, भाजपा सरकार की मेजबानी में थे वो, लेकिन उस समय कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जो वो नहीं जा सके। ऐसी एक पृष्ठभूमि की वजह से अशोक तंवर को राहुल गांधी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और 6 साल तक अध्यक्ष बनाए रखा था, लेकिन जैसे वो अध्यक्ष पद से हटे उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप बोलना भी शुरू कर दिया। इसी तरह से बैकग्राउंड की वजह से पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो थी उस समय झारखंड विकास मोर्चा, उस पार्टी से आए थे और उनको आते ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था और जैसे एक चुनाव हारे वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर से वापस उनको कांग्रेस में ले लिया गया है और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ साथ उनको दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ाने का भी जिम्मा दिया गया है। इस तरह के प्रयोग अनेक जगह किए और हर जगह ज्यादातर जगहों पर जो नई टीम बन रही थी वो उसके नेता भस्मासुर साबित हुए या वो फिदायीन बन गए। उन्होंने ऐसे काम किए जिससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान हुआ, उनका अपना कोई स्वार्थ पूरा हुआ हो या न हुआ हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। जितने भी इस तरह के प्रयोग किए गए उन तमाम प्रयोगों में यही स्थिति है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।